नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा माही नगर निगम उड़नदस्ता के टीम मंगलवार के सुबह शहर के मारदंड स्कूल के गेट के आसपास अतिक्रमण का टाइम, जहां बड़ी संख्या माही अवैध रूप से चाय और पान के गुमटी के दुकान लगा के दुकानदार अतिक्रमण करे रहे। हम दुकानन के कारण सैकड़न असामाजिक तत्व इकट्ठा हो रहे, जेकर शिकायत कई एक बेर नगर निगम प्रशासन से कीन गए रही। उन्हें मंगलवार का ही नगर निगम के उड़नदस्ता मारथंड स्कूल के पास पहुंचा तो अतिक्रमणकारी में हड़कंप मच गया। दिखते देखा तो स्कूल के दोनों गेट के पास रखी गुमटिन का प्रशासन हटवाए दिन। अब लोग बता दें कि गायत्री मंदिर से लेके रसिया मोहल्ला तक दर्जन गुमटी रखी के अतिक्रमण कीन गा हवे, जहाँ आए दिन जाम लगत रहा था। वहीं प्रशासन का चाही के सिविल लाइन थाना के सामने से लेके गायत्री मंदिर रोड, कोर्ट, रसिया मोहल्ला के चारों तरफ फैले अतिक्रमण का हटाए दे तो यहाँ यातायात सुचारू रूप से चल सके। बुलेटिन की अगली खबर रीवा के तमरा ग्राम पंचायत से है, जहाँ पर सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ नहीं देवाबे के आरोप लागल है। यही बाबत आज होए वाली जनसुनवाई में ही गाँव के लोग सामूहिक रूप से पहुंचे और शिकायत दर्ज कराए, जिन में महिलाओं शामिल रही। हम वहाँ गाँव के लोग बताएं कि तमरा के सचिव ओ लोगन का पात्र कई दिन जौन के वास्तव में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के मानदंड के अनुरूप पात्र रहे हमा, जबकि कई कैसन लोगन का आवास योजना के लाभ दिलाए दिन। साथ ही लोग यह बताएं कि सचिव कुछ राजनीतिक लोगन के प्रभाव में ही घर के सर्वे करे बिना एक जगह में बैठ के पात्र और अपात्र के सूची तैयार कर लिन, जैसे जरूरतमंद लोग योजना के लाभ से वंचित हो गए। इनके द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से? सबसे ज्यादा सेक्रेटरी तमरा पंचायत के हैं, उनके द्वारा मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बहुत से लोग आए हुए हैं, तहसीलदार साहब को मतलब ज्ञापन सौंपेंगे, आज देंगे। मतलब सेक्रेटरी का इतना मतलब तानाशाही चल रहा है तमरा गांव में, तमरा पंचायत में, कि अब उनको क्या कहा जाए। और एक खेल भी था ग्राउंड, उसमें से मतलब 3 साल से मतलब खेल चालू था। कार्ड जो हमारा बना था सर, 5-7 महीने 8 महीने हो गया, इसकी भी सेक्रेटरी से बात किए, बोला कि हमारे अंदर में नहीं है, हम बना चुके हैं, सहायक सेक्रेटरी के पास जाइए। और उनके यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हम पास कर दिया, भेज दिया यहाँ से, वो जबलपुर जाएगा, वो कहीं भोपाल जाएगा, हैदराबाद जाएगा, वहाँ से आएगा तो फिर हम तुमको पर्ची। ये है ग्राम पंचायत तमरा में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी योजनाओं में माना जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो पात्रता रखते हैं, लेकिन उनको अपात्र कर दिया गया है सचिव के द्वारा। और एक ही जगह गांव में बैठकर राजनीतिक लोगों के कहने पर एक जगह बैठकर सर्वे सूची तैयार कर दी गई, लेकिन उसमें से ऐसे व्यक्ति हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं, उनको भी पात्र किया गया है। 2011 में सर्वे सूची में नाम था तो GR के द्वारा फ़ोटो तो खींची गई घर का, और हमारा था घर नहीं बना। सिक्योरिटी बोलता है कि आप भी 5-10 हज़ार दे दीजिए तो हम आपका पास कर देंगे या पास कर देंगे, यही मेरे पास समस्या है। और लेटरिन भी मेरी बनवा ली 2016 में, पैसा निकाल लिए, मेरे को नहीं मिला है, मेरे को राशन मिलता ना पानी कुछ नहीं मिलता ना। बुलेटिन की अगली खबर है भाई मनीगमा से, जहां पर अतिक्रमण हटावे के अभियान लगातार चल रहा है, अब जौने के विरोध शुरू हो गया है। अतिक्रमण हटावे के लाने जनमानस के विरोध पाए, अब अतिक्रमण के हटावे के कार्रवाई का रोक दिन का। अपने बताए दें मनगमा तहसील में ही सैकड़न लोग इकट्ठा हुई के जमकर नारेबाजी करें और विरोध कह के CMO मनगमा के ऊपर लेन देन व पक्षपात करे के आरोप लगाए। साथ है एलाने ज्ञापन सौंपिन, वही ज्ञापन में यह मांग करें कि अगर प्रशासन का मलकपुर से अतिक्रमण हटावे का है तो एक तरफ से हटावा जाए, ना कि पक्षपात की जाए। पहले इनकी एक बार आप लोग शांत रहिए, एक मिनट। ये जो अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर 3 दिन से चल रहा है, तो ये नगर पालिका के आदेश पे है कि किसी अन्य के आदेश पे चल रहा है? देखिए, नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका प्रभारी रहते हैं अपने, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार लोग हटाते हैं अपने स्तर पर। यदि वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ। अगर कोई लॉ एंड धान खरीदी केंद्र के भ्रष्टाचार अब चरम पर है, यहाँ के कर्मचारी का शासन और प्रशासन से खौफ नहीं आए।
खबर रीवा के तेवथर तहसील के सुहरवा गांव से है, जहां के सेल्समैन प्रमोद ओझा पर खरीदी केंद्र में ही भ्रष्टाचार करे के आरोप लागल। आरोप है कि सेल्समैन सुहरवा खरीदी केंद्र का ही अपने फायदा खातिर बदल दीन। एक तरह जहां सुहरवा के किसानन के धान उपार्जन कई के समिति में विक्रय करे के प्रावधान कीन गया रहा, पर सहकारी समिति सुहरवा के सेल्समैन प्रमोद ओझा भ्रष्टाचार फैलावे के उद्देश्य के लाने सुहरवा खरीदी केंद्र के बजाय 5 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र बधवारी में बना दी, जहां से अब धान पास करावे के नाम पर हर टाली में ही 1000 रुपया वसूल करा था। तुम्हें हर बोरी धान के तुलाई में ही 10 रुपया वसूल करी जा रही है। हम यहाँ प्रमोद ओझा सहकारी सेवा समिति सुहरवा के सेल्समैन के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जांच कराने आए हैं, आवेदन देने आए हैं। मैं ग्राम सुहरवा तहसील चौथर जिला रीवा का निवासी हूँ। मेरा नाम राजेश मिश्रा उर्फ राजू है। मेरी धान खरीदी केंद्र सुहरवा गठन किया गया है, जबकि भ्रष्टाचार के उद्देश्य से ये सेल्समैन प्रमोद ओझा और समिति प्रबंधक दोनों बघवारी में धान खरीदी केंद्र किए हैं अपने घर के पास। वो डुंडकिया का रहने वाला है प्रमोद ओझा, और 1000 रुपये लेता है टाली पास कराई, 10 रुपये बोरी जो है तौलाई लेता है। इसके बाद जो धान बचती है किसानों की तो जो है धरवा लेता है। बुलेटिन की अगली खबर रही सतना से, जहां ट्रक और ऑटो में भिड़ंत होए से एक के मौत हो गई तो 4 लोग गंभीर तौर से घायल हो गए। हम मैहर में यह घटना कोहरा के कारण भा, जोने माही अमदरा क्षेत्र के कुसेड़ी के पास यह घटना भय, जहां ट्रक और ऑटो के भिड़ंत में ही कई एक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलन का मैहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करावा का है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहां इलाज के समय एक युवक के मौत बताई जा रही है। उन्होंने बताई कि सब लोग गांव से शहर के लाने आवत रहे, तब एक ट्रक और ऑटो में भिड़ंत हो गए। ऑटो में ही 5 लोग सवार बताए जा रहा है। बुलेटिन के लिए खबर ही है महूगंज विधानसभा क्षेत्र से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता के सदस्यता के अभियान के लिए के उत्सव मैरिज गार्डन मऊगंज माही बैठक के आयोजन कीनगा, जोने माही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला, मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना, रीवा के पूर्व सांसद देवराज पटेल, मऊगंज के पूर्व विधायक डॉक्टर IMP वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता यदुवंश मिश्रा के साथ है क्षेत्र के कई नेता भाग लिहीन। पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना जहां कार्यकर्तन का संबोधित कर के कमलनाथ के पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा चलावे गए जनहित के योजनान का विस्तार से जानकारी दीन, और यह कहें के हमारे मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में ही कार्यकर्तन में इतनी ऊर्जा है, उनके सदस्यता के अभियान के वजह से लोकसभा के अध्यक्ष मऊगंज से बना लाहमा। अधिकारी और कर्मचारी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हम, लेकिन यह ज्यादा दिन तक चले वाला नहीं है। सरकार के जन विरोधी नीति से जनता त्रस्त हो चुकी है, और अब के बार कांग्रेस बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाई। वह मऊगंज के साथ है 8 सीट में ही कांग्रेस के विधायक जीत हासिल करी। कार्यक्रम में ही भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम तो आप सबसे भी क्षमा चाहता हूं कि आप सब क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, और कांग्रेस को नए ढंग फिर की 500-600 की कटनी है सदस्यता काफी, इतनी तो लगभग हम लोग अभी पूरे जिले में नहीं पड़ती। भैया बहने आज के बुलेटिन में इतना ही, बघेली में खबर देखे के लाने देखत रही हमारे बिंद के बघेली समाचार। नमस्कार।